नमस्कार बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत ला भी देख रहे हैं आप। आज 16 नवंबर है और आज शराबबंदी को लेकर के बेहद महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हो रही थी। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक से पूर्व भी जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है बिहार के, उन्होंने 15 सवालों का एक बड़ा लिस्ट जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में थमा दिया था। राजद के कई नेता मांग कर चुके थे कि शराबबंदी कानून को बिना शर्त के साथ वापस लेनी चाहिए। इसके साथ शराब निर्माण वाले एसोसिएशन ने भी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से पत्र लिख करके मांग की थी कि शराबबंदी कानून को बिहार में खत्म कर देना चाहिए। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज आपको बताते हैं कि बिहार में शराबबंदी को लेकर के समीक्षा बैठक कर रहे थे। 7 घंटे के करीब यह समीक्षा बैठक चली, जिसमें तमाम बिहार के जिलाधिकारी मौजूद थे और आला अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद आपको बता दें कि कुछ बड़े फैसले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने लिए हैं। सबसे बड़ा फैसला है कि थाना अध्यक्ष जिस क्षेत्र में भी जो है आपको बता दें कि शराब मिलता है तो उस पूरे क्षेत्र के जो थाना अध्यक्ष है, थाना प्रभारी होंगे, उन पर जो है चिन्हित करके उन्हें उन पर कार्रवाई की जाएगी। और बहुत सारे ऐसे थाना प्रभारी है जिन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, तो उन्हें भी चिन्हित करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ आपको बता दें कि बहुत सारे और भी फैसले लिए गए हैं। चलिए आपको एक बार फिर से प्रमुख फैसलों की ओर ले चलते हैं। शराबबंदी को लेकर के समीक्षा बैठक हो रही थी, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि खुफिया तंत्र को और भी मजबूत किया जाएगा, खुफिया व्यवस्था को और भी चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। इसके साथ दूसरा एक फैसला लिया गया है कि जो भी कॉल सेंटर शराबबंदी के लिए बनाए गए हैं, उसकी सूचना देने वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं, तो शराबबंदी सरकार का जो कॉल सेंटर है तो वहां पर जो फोन आ रहे हैं उन पर तुरंत जो है तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिले के जो भी प्रभारी मंत्री हैं उन्हें भी यह अधिकार दिया गया है कि शराबबंदी पर समय समय पर अब समीक्षा बैठक कर सकेंगे। यानी कि जिस जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं वे अपने जिले में जाकर के जिला अधिकारियों के साथ और वहां के तमाम अफसरों के साथ शराबबंदी पर समीक्षा बैठक कर सकेंगे, इसका अधिकार दिया गया है। इसके साथ आपको बता दें कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी करने वालों के लिए विशेष जो है आपको अभियान चलाया जाएगा, उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा, उन्हें चिन्हित किया जाएगा। इसके साथ भी और भी जो फैसले लिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार है। सेंट्रल टीम अगर जिले में जाती है और शराब रिकवर होता है तो थाना अध्यक्ष निलंबित होंगे। यानी कि बिहार से राज्य सरकार की अगर टीम जाती है, सेंट्रल टीम जाती है, किसी भी थाना क्षेत्र में जाती है और अगर वहां से शराब रिकवर हो जाती है तो सबसे बड़ा जो है कार्रवाई थाना अध्यक्ष पर होगा। इसके साथ ही शराबबंदी पर अगर थाना अध्यक्ष की संलिप्तता की अगर शिकायत आती है तो 10 साल तक वे जो है थानेदारी से वंचित कर दिए जाएंगे, 10 साल के लिए थानेदारी से हटा दिए जाएंगे। इसके साथ आपको बता दें कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पर अगर थाना अध्यक्ष जो है उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगर पाया जाता है शराब के केस में, शराब की तस्करी में, शराब के सेवन में, तो उन्हें जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही गांव के चौकीदारों की जिम्मेदारी होगी कि गांव में अगर गलत काम हो रहे हैं, यानी कि शराब की तस्करी हो रही है, तो इसकी सूचना देंगे। इसके बाद अगर सूचना नहीं देते हैं तो इसका गांव के जो आपको बता दें कि चौकीदार हैं वे भी नपेंगे। इसके साथ ही पटना जिला में विशेष अभियान चलाया जाएगा होम डिलीवरी के खिलाफ। पटना जिला को चिन्हित किया गया है, इसमें सबसे पहले ट्रायल के तौर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ आपको बता दें कि जो भी कानून पूर्व से चल रहे हैं शराबबंदी के खिलाफ, उन्हें जो है सख्ती के साथ उसका पालन करवाया जाएगा। इसके साथ ही चौकीदार, दफादार और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जो है आपको बातें अब जो है सामने आई है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने जो है आपको बता दें कि इसके लिए स्पष्ट निर्देश दे दिया है। यानी कि कुल मिलाकर के ये बात है कि गांव के भीतर अगर शराब की कारोबारी होती है, शराब को लेकर के सेवन होता है, शराब की तस्करी होती है, तो गांव के चौकीदार अगर सूचना नहीं देते हैं तो संबंधित गांव के चौकीदार, गांव के थानेदार, उस क्षेत्र के जो है थानेदार, दफादार, सब पर जो है गाज गिरना तय है। तो ऐसे में अब बिहार सरकार ने, नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि बिहार में पिछले दिनों जहरीली शराब से मौत का जो है तांडव मचा हुआ था। इसके बाद बिहार सरकार 16 तारीख का तिथि निर्धारित की हुई थी जिस दिन शराबबंदी को लेकर के आपको बता दें कि समीक्षा बैठक की जानी थी। ऐसे में अब समीक्षा बैठक के बाद रिपोर्ट आ गई है,
अब जो है पुराने कानून को फिर से चलाया जाएगा, विशेष अभियान चलाया जाएगा और अधिकारी और थाना अध्यक्ष पर अब जो है गाजगिरनी तय मानी जा रही है। जरूर भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसका जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।